आया नगर नाम यहिया नगर का आधुनिक नाम है, जिसको यहिया खान से यहाँ के मूल बासिंदों जो कि गुर्जर बिरादरी के लोहमोर गोत्र के समाज ने खरीदा था। लोहमोर गोत्र वास्तव में पवार गोत्र से निकला हुआ गोत्र है, जो कि राजा जगदेव पवार के वंशज है। आजकल इसको लोहिया से भी संबोधित किया जाने लगा है। गुर्जर बिरादरी के लोग मूलतः राजस्थान के निवासी हैं। पानी की किल्लत से परेशान होकर कुछ गुर्जर बिरादरी के लोग गंगा यमुना के तलहटी में बस गए। आज दिल्ली में इनकी आबादी अच्छी खासी है। ये बिरादरी काफी बहादुर निडर होते हैं। समय के साथ ये लोग पढ़ लिखकर काफी संपन्न हो गए हैं। घिटोरनी व नाथूपुर जो कि इसके पड़ोसी गांव है, वहां भी ये बहुसंख्यक रूप में है। यही नहीं, घिटोरनी, नाथूपुर, आया नगर तीनों का ही आया नगर के दक्षिण छोर पर प्राचीन शाह नगर गांव से निकास है, जो अब वन भूमि। आया नगर गांव शुरू से ही काफी समृद्ध रहा है। यह ग्रामीण क्षेत्र था। 1960 के दशक में सरकार द्वारा वायुसेना, रेडियो स्टेशन व फिर सशस्त्र सीमा बल के लिए ग्रामीणों की जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। दिल्ली में बढ़ती आबादी को देखते हुए यहाँ के किसानों ने अपनी बची हुई बंजर जमीन पर लोगों को बसाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते आया नगर गांव एक कस्बा हो गया। आज आया नगर जनसंख्या व राजनीतिक दृष्टि से छतरपुर विधानसभा क्षेत्र का अहम बस्ता है, जहां सभी जाति व क्षेत्र के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसमें गुर्जर बिरादरी के लोगों का अहम योगदान है। सीमाई क्षेत्र होने के बाद भी यह इलाका क्राइम फ्री है। कम चौड़ी सड़क होने के बाद भी यहाँ का समाज पुलिस के साथ मिलकर यहाँ बिना कोई ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। ऐसा अनोखा ट्रैफिक कंट्रोल आपको पूरे दिल्ली में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। कॉलोनी तक जाने वाले मुख्य आया नगर रोड में दोनों तरफ कई छोटे और बड़े रेस्तरां खुले हैं, जो पारंपरिक भारतीय व्यंजन के साथ चीनी व्यंजन बेचते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध मार्केट संडे मार्केट है। यहाँ अपनी जरूरत के सभी वस्तुओं को आप खरीद सकते हैं। यहाँ शाम के समय सब्जी मंडी देखकर आप दंग रह जाएंगे। कोई भी फल फ्रूट सब्जी आपको आसानी से मिल जाएगी। यहाँ घूमने के लिए कई पार्क मौजूद है। पार्कों में सुबह शाम में स्थानीय निवासियों का जमावड़ा लगा रहता है। वन विभाग के पार्क तो विदेशियों में भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ तरह तरह के पक्षी मौजूद हैं। यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इसमें शिवहंसा चौक पर स्थित शिव मंदिर भक्तों के बीच काफी प्रसिद्ध है। बाबा मंगलदास मंदिर के प्रति लोगों में गहरी आस्था है। बाबा लटुड़िया मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा कई और मंदिर आया नगर में मौजूद है। कई बड़े से लेकर छोटे अस्पताल भी यहाँ मौजूद है, जिसके कारण आपको इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। इंसान की जरूरत की सारी सुविधाएं आया नगर में आज मौजूद है। यहाँ आने के लिए आप ये मेट्रो स्टेशन अर्जनगढ़ देख रहे हैं। अर्जनगढ़ से उतर के आप कैब लेके अंदर के ब्लॉकों में आप जा सकते हैं। बेझिझक यहाँ आप किसी भी समय आ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।